कोविड-19 संकट काल में सरकार व प्रशासन के प्रयासों को और बल प्रदान करने के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। अभिषेक मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से उपायुक्त देवीश्वेता वर्णिक के माध्यम से 51 पल्स ऑक्सीमीटर डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए सहयोग स्वरूप भेंट किए गए। अभिषेक मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़े सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक राजेंद्र राजन ने दिल्ली से विशेष तौर पर मंगवाए लगभग 40,000 के ये उपकरण उपायुक्त हमीरपुर के कार्यालय में उन्हें सौंपे। उपायुक्त ने सामाजिक दायित्व के प्रति उनके प्रयासों को सराहा। उन्होंने इसके लिए संस्था का आभार भी व्यक्त किया। हमीरपुर के सीमावर्ती बल पंचायत के निवासी राजेंद्र राजन ने कहा कि कोविड के इस संकट काल में एक जागरूक नागरिक के रूप में किसी न किसी रूप से अपना सहयोग करने की वे सोच रहे थे। इसी दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में चिकित्सक डॉक्टर रमेश चौहान से चर्चा की और उन्होंने ये उपकरण भेंट करने का सुझाव दिया। हाल ही में उन्होंने अपना युवा बेटा खोया है और उसी की स्मृति में ये काम किया गया। उन्होंने बताया कि अभिषेक मेमोरियल ट्रस्ट के गठन का कार्य अंतिम चरणों में है। इस ट्रस्ट के माध्यम से सामाजिक दायित्व से संबंधित अन्य कार्य भी संचालित किए जाएंगे। समय समय पर वे बच्चों के कल्याण सहित वृद्ध आश्रम में सेवा के भी काम करते हैं। उन्होंने बताया कि अभिषेक मेमोरियल ट्रस्ट आने वाले दिनों में HIV पॉजिटिव तथा अनाथ बच्चों की शिक्षा का भी काम करेगी। मुझे पता लगा कि जो डॉक्टर रमेश चौहान है MS हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा भी हमें ऑक्सीमीटर्स की ज़रूरत है, तो मैंने कहा फल फ्रूट दे दें आपकी कोविड पेशेंट्स को, कहते नहीं। तो मैंने दिल्ली से ख़ास तौर पे ही कोई 51 नंबर ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर मंगवाए हैं, जिसमें आप पल्स भी चेक कर सकते हैं और ऑक्सीजन का लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आज एक मैडम को प्रेजेंट किए हैं और ये ताकि मेडिकल कॉलेज में इनको ज़रूरत है इसकी, और ये अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब इनकी कॉस्ट इज़ अराउंड 50,000 ईच। हर एक जो ऑक्सीमीटर है उसकी कॉस्ट 1,000 रुपये है पर पीस की, जो दिल्ली से आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए हम सभी को, जितने भी लोग हैं जो कर सकते हैं ऐसे महामारी के दौरान, हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए कुछ करें। और मैं बाकी सभी समाज के जो भी मतलब लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं या उनके पास साधन है, तो वो अपना उन साधनों का जो है वो गरीब लोगों के लिए शेयर करें, उनके दुख दर्द में साथ दें।